नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे और इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 15 फरवरी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप परीक्षा देने वाले होंगे ना, तो इस सब प्रश्न को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर जो प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, जो कि करे शंतनु नरेन आपस में कौन है, भाई भाई है या चाचा भतीजा है या भाई बहन है या जीजा साली है। तो आप याद रखिएगा, भाई भाई है, इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए दो नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न करा है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, यानी कि आपको बताना है कि देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो इंद्र को किया जाता है, इसलिए दो का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंद्र को। चलिए अगला नंबर तीन नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे, इसलिए तीन का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का। चलिए चार नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे सिंह साहब की आंखों का तारा कौन था, कार था या खोखा था या खोखी था या अगेस्ट थे। तो आप याद रखिएगा, खोखा था, इसलिए चार का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सिंह साहब की आंखों का तारा जो था वो खोखा था। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि पाँच नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है फिनिक्स था, तो फिनिक्स जो था ना वो आश्रय था, क्या था, आश्रम था, इसलिए पांच का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि छह नंबर प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक संगीत कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जुड़ने में किनका योगदान था। तो कपिला जी का था, इसलिए छ का राइट आंसर सी हो जाएगा, कपिला जी का। चलिए सेवन नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए सात का राइट आंसर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए आठ नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही ऐसी टाइप का है। यह प्रश्न कह रहा है घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहे थे। तो भगु ने कहे थे या पिताजी ने कहे थे या माँ ने कहे थे या संतु ने। तो पिताजी ने कहे थे, इसलिए आठ का राइट आंसर बी हो जाएगा, पिताजी ने। और आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले होंगे तो इस प्रश्न को जो प्रश्न याद नहीं होगा उसको किसी हाल में याद कर लीजिए, और जो प्रश्न आपको याद होगा उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिए। चलिए नौ नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि अगर वायरल प्रश्न होता है ना तो आपको ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जो कि नंबर है 97097136636। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए नौ नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो नागरी लिपि आठवीं सदी से 11वीं सदी तक सर्वाधिक लिपि थी, इसलिए नौ का राइट आंसर सी होगा। चलिए दस नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है लेखक को किस युग में कहां पर विडम्बना दिखाई दी। तो जातिवाद में दी थी, इसलिए दस का राइट आंसर ए होगा, जातिवाद में। चलिए ग्यारह नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है सुशीर के वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो शाहनाई को है, इसलिए ग्यारह का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बारह नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है नाग किसका प्रतीक है, यानी कि जो नाखून है ना वह किसका प्रतीक है। तो पशुता का है, इसलिए बारह का राइट आंसर बी हो जाएगा, पशुता का। चलिए तेरह नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज ने ठुमरिया किसे से सीखी। तो बिरजू महाराज ने ठुमरिया अपनी आमा से सीखी थी, इसलिए तेरह का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों आपको प्रश्न और फास्ट बताएं या और स्लो या इसी तरह के बताएं, आप कमेंट करके आंसर मैंने कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा, उसी प्रकार से हम बताएंगे। चलिए चौदह नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जो है उनका संबंध किस से है, बांसुरी से है या हारमोनियम से या तबला से या शहनाई से। तो शहनाई से है, इसलिए चौदह का राइट आंसर डी हो जाएगा, शहनाई से। चलिए पंद्रह नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का आरोप लगा था, यानी बहादुर जो था वो उस पर कितना रुपये का चोरी का आरोप लगा था। तो ग्यारह रुपया, आप याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का आरोप लगा था। तो ग्यारह रुपया अगर प्रश्न पूछेगा तो आप मार दीजिएगा खटाक से, ग्यारह रुपया। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है गांधी जी को दो हथियार थे, कौन थे, लाठी और अहिंसा थे या हिंसा और अहिंसा थे या हिंसा और सत्या
सत्याग्रह थे या अहिंसा और सत्याग्रह थे। तो आप याद रखिएगा अहिंसा और सत्याग्रह था, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अहिंसा और सत्याग्रह। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न। यह कर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को या 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को। तो आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नय कहते हैं, इसलिए 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा नय। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, पुत्री है या बहन है या भगनी है या बहू है, तो बहन है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की कौन है, तो बहन है, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा बहन। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इंग्लिश में मिलता है, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा इंग्लिश में। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में सनाई बजाने पर कितनी मेहनत आना मिलती थी, तो 8 आना मिलती थी, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा 8 आना। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अमरकांत जी को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो डिप्टी कलेक्टरी के लिए, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी के लिए। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी, तो बिरजू महाराज की पहली शिष्य जो थी वह रश्मि थी, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा रश्मि। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो वह अधम होता है, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा अधम। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है अशोक वाजपेयी ने लास्ट शतरुज में कितने दिनों तक रहे थे, तो 19 दिनों तक रहे थे। याद रखिएगा अगर पूछेगा परीक्षा में कि अशोक वाजपेयी ने लास्ट शतरुज में कितने दिनों तक रहे थे, तो 19 दिनों तक रहे थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है इबादत का अर्थ है, तो उपासना करना होता है, इबादत का अर्थ उपासना करना होगा, इसलिए 26 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर को देखते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दारिस क्या है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा दारिस जो है वह सोने की प्राचीनकालीन सिक्का है, इसलिए 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा सोने की प्राचीनकालीन सिक्का। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो बिरजू महाराज के जो पिता थे वो प्रसिद्ध नर्तक थे, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्रसिद्ध नर्तक। 29 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा जो है वो भारत देश की जाति है, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी लिपि लिखी जाती है, हिंदी लिपि किस में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए 30 का राइट आंसर ए होगा देवनागरी लिपि में। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था, तो नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया था, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा नंदी नागरी लिपि। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ भय वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी, तो बहादुर के, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा बहादुर के। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि जो है वह सरहपाद है, इसलिए 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा सरहपाद। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किए थे, यानी दिल्ली में किए थे या जौनपुर में किए थे या वर्धा में किए थे या बांग्ला में, तो गुणाकर मूले ने दिल्ली अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई जो किए थे वह वर्धा में किए थे, इसलिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा था, बेचने के लिए या खाने के लिए या काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए, तो आप याद रखिएगा कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था, इसलिए 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था, इसलिए 36 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कुलसुम कौन थी, तो कुलसुम जो थी वह हलवाइन थी, इसलिए 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा हलवाइन।
38वां प्रश्न कर रहा है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी, इसलिए 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 39वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, इसलिए 39 का राइट आंसर डी बी हो जाएगा, लखनऊ में। चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवाएं उनके घर के पास बहती रहे? तो यह महात्मा गांधी जी चाहते थे, इसलिए 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। और 41वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, मेरा धर्म का दिखाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की है, इसलिए 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ की। चलिए 42वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से क्या ऑप्शन को देखते हैं, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, यह बिल्कुल गलत है, माँ को याद आने के कारण, यह भी गलत है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यही सही है, यानी कि 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 43वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है, पहले किन राजाओं के लेखों को लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं को दिया गया था, इसलिए 43 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 44वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, .. पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, तो जाति प्रथा को करती है, इसलिए 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का .. कारण बनी हुई है, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा, तो सी राइट आंसर होगा। चलिए 46वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे, इसलिए 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। और दोस्तों अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए जरूर, क्योंकि उससे आपको फायदा यह रहेगा कि उसमें वीडियो ऐसा जाएगा जो कि परीक्षा में पूछने लायक रहेगा, और एग्जाम होगा अगर समय से पहले आ जाएगा प्रश्न तो उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो उससे भी आपको फायदा हो जाएगा और उसका आंसर भी बनाकर डाल दिया जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहे हैं, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाए थे? तो महात्मा गांधी ने चलाए थे, इसलिए 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 48वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, अभिनय क्या है? तो अभिनय जो वह है वह ईसाई मठ है, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा, ईसाई मठ। चलिए 49वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है? यानी कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना जो है उनका शीर्षक कौन है? तो ला मादा मोजेल द अभिनय है, इसलिए 49 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 50वां प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, अगर दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि 50वां प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, दारिश नमक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था, इसलिए 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और कौन सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए हम सिर्फ बना देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।